असलम वेलकम टू दी सच पॉडकास्ट विद मी सुबल नसीब हुसैन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल वेल जनाब अनदर बिग डे अनदर बिग गेस्ट वी हैव और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं जर्नलिस्ट हैं एंकर हैं आपने इनको डिफरेंट टी वी चैनल्स पर देखा होगा डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पर अपना तज्जिया रखते हुए इन्होंने बड़े माहनाज रिपोर्टिंग uh, भी की है सो वी हैव असदुल्ला खान व थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग इन एंड वेलकम टू दी पॉडकास्ट बहुत शुक्रिया सर थैंक यू सो so, सर हमारा जो स्टार्ट होता है पॉडकास्ट का वो होता है प्रोफाइल इंटरव्यू से सो so, हम जाना चाहेंगे आप अपना थोड़ी अपब्रिंगिंग के बारे में बताइए कोई चाइल्ड हुड मेमरी आपकी हो uh, मैं देखिए लाहौर में पैदा हुआ mm -hmm. लाहौर में पला बड़ा हूँ लाहौर से तलीम हासिल की है वो डेढ़ साल पहले इस्लाबाद आया हूँ और मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा खास नहीं है कि जिसको आ, बताया जा सके बड़े एक आम आदमी की तरह मेरी ज़िंदगी थी एक आम से स्कूल से मैंने तलीम हासिल की है कोई कई मेरे कोई डिस्टिंगशनस नहीं है कोई मैंने बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़े रिकॉर्ड्स नहीं बनाए हैं अपने पूरे करियर में और तालीम भी बड़ी बड़ी, बड़ी आम सी है आप तो इस ने ने इस प्रें प्रें कुछ भी ऐसा किस... नहीं है जो वैल्यूएबल हो बताने के लिए आपको आप अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में किया हाँ ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में किया आप देखें मैंने इनिशियली मेरा मेरा जो ट्रैक था वो कंप्यूटर साइंसिस का था uh, मैंने कंप्यूटर साइंसिस में बैचलर्स किया कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंसिस आई में ही मैंने स्पेशलाइज uh, किया देन आई रियलाइज़ के ये जो uh, ये फील्ड है आईटी का ये मेरे लिए बना नहीं है तो फिर मैंने अपनी आठ साल एजुकेशन हासिल करने के बाद फिर मैंने ये फैसला किया कि यार सारी उम्र इस पछतावे में रहने से बेहतर है कि मैं सारी उम्र सोचता रहूं कि यार उस वक्त एक सही फैसला करने का मौका था और मैंने नहीं किया तो फिर 2006 में मैंने रेडियो से स्टार्ट लिया ओके okay. और फिर मैंने अपने फील्ड को खैर बात का और पूरी तरह से मैंने पहले रेडियो फिर एक टेलीविज़न फिर उसके बाद मुख्तु दो तीन चैनल्स मैंने ज्वाइन किए बारी बारी तो यूँ फिर मैंने अपना फ़ील्ड चेंज किया और आईटी से जब मैं यहाँ आया तो फिर मुझे ख्याल आया कि बहुत सारे लोग मुझसे सवाल भी करते थे और वैसे भी खैर तालीम तो हासिल करते रहना चाहिए आपको तो फिर मैंने एक नया नई लाइन जो है वो दोबारा से शुरू की।, की और उसमें मैंने पहले पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया 2012 में और उसके बाद 10 साल के बाद फिर मैंने एम किया अभी 21 में मैंने एम किया है मैथ कम्युनिकेशन में तो अभी पीएचडी में एनरोल होने का इरादा रखता हूँ बस वो पिछले साल करना था लेकिन हो जाएगा इस दफा हो जाएगा इन तो हम जानना चाहेंगे एक जर्नलिस्ट की डेली रूटीन क्या होती है लाइक आम इंसान से तो मुख्तलिफ ही होती है किस तरह से आप अपने आप को अप टू डेट रखते हैं अबाउट द करंट हैपनिंग्स तो उसके हवाले से थोड़ा बताइएगा कि क्या है आपकी डेली रूटीन देखिए हमारे यहाँ जो अभी जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए ये सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपका मैं आ, मैंने पिछले दिनों के एक किताब पढ़ा था अब्दी साहब हैं एक रज़ा अब्दी साहब जंग अखबार में आ, वो हुआ करते थे अभी भी जंग में कॉलम लिखते हैं बुज़ुर्ग हैं शायद वो आ, उन्होंने अपने सिक्सटीज़ और सेवेंटीज़ के ज़माने के अखबार की जो रूटीन थी वो उन्होंने कलम बंद की हुई है उस किताब में okay. ओके और उन्होंने बताया कि सूखियाँ कैसे निकलती थी काते जो किताबत करते थे अखबार में कम्प्यूटर्स तो थे नहीं वो कैसे बैठा करते थे ज़मीन पर उनका एक वो पूरा तख्ता और एक दरी बिछी होती थी और वहाँ पर ख़बर एक आदमी के पास होते हुए दूसरे के पास जाती थी फिर तीसरे के पास चौथे के पास किन मरहल से होकर गुजरती थी बहुत दिलचस्पी के साथ उन्होंने वो जिस अंदाज़ तो में तहरीर किया था पढ़ने वाले को भी वैसे ही दिलचस्पी होती है तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि कितनी मेहनत किया करते थे हमारे जो बड़े थे सीनियर्स थे अच्छा उसके बाद फिर वक्त बदला तकाजे बदल गए बहुत सारे जर्नलिस्ट की रूटीन जो है वो ये रही अभी मैंने पिछले को सात आठ साल से ये मुशाह किया है मैं लाहौर में कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी रहा और यू uh, सी में मैंने कुछ अर्सा पढ़ाया एक दो सब्जेक्ट्स में कॉलम राइटिंग पढ़ाता रहा हूँ एंकरिंग पढ़ाता रहा हूँ तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि बच्चे जो हैं वो अखबार नाम की चीज़ से वाकिफ नहीं हैं फिर जब मैं यहाँ पर अपने अपने प्रोग्राम के लिए टीम को हायर करने के लिए इंटरव्यूज़ करता था तो रिसर्चर का इंटरव्यू कर रहा हूँ और रिसर्चर से मैं पूछता हूँ आप अखबार कौन सा पढ़ते हैं तो वो कहते हैं जी अखबार तो हम नहीं पढ़ते और कोऑर्डिनेटर गेस्ट कोऑर्डिनेटर से इंटरव्यू कर रहा हूँ तो वो कहते हैं ये अखबार पढ़ना हमारी तो जरूरत ही नहीं है और किताब का तो फिर इसका मतलब है कि किताब तो बहुत बाद में आएगी अगर आप अखबार ही नहीं पढ़ रहे तो किताब तो बहुत बाद में आएगी ये मैंने तमहिद बांधी आपके सवाल में जो आपका सवाल था कि रूटीन क्या होती है एक जर्नलिस्ट की तो देखिए एक जर्नलिस्ट की रूटीन ये होती है कि वो सोने से पहले भी ख़बर देख के सोता है और उठते हुए भी सबसे पहले खबर ही देखता है और बाद ऐसे भी हमारे दीवाने हैं जो जब आंख खुलती है तो भी उठ के व्हाट्सएप ग्रुप चेक करते हैं क्योंकि खबर तो नहीं आई हुई है क्योंकि उनकी सारी एक्साइटमेंट ही खबर के साथ, है। साथ है, और ख़बर नहीं है तो उनका दिन भी डल होता है वो कहते हैं हाँ कोई ख़बर ही नहीं है तो देखिए सुबह जब आप सो के उठते हैं हम लोगों की एक ज़माने से रूटीन है रात दो बजे सोने की मेरी जाती तौर पर मैं दो बजे सोता हूँ और नौ बजे उठता हूँ और सात घंटे की नींद में ज़रूर लेता हूँ नौ बजे उठता हूँ तो साढ़े नौ बजे मैं टेबल पे बैठ जाता हूँ और सबसे पहले दिन के चार पांच अखबार पढ़ लेता हूँ और जब आप अखबार पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब आपका दिन अब शुरू हो गया है और अब आप आपको पता है कि अखबार में क्या छपा है आजकल लोग अखबार इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि सारी चीज़ें तो वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको लगता है ऐसा है कि उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में खबरें आ चुकी हैं ट्विटर पर खबरें आ चुकी हैं ऐसा नहीं है अखबार में भी खबर मिलती है और बाद ऐसी खबरें होती हैं जो आप जिसको जो आपकी नज़र से में नहीं जिससे नहीं गुजरी होती हैं जिसको आपने इग्नोर कर दिया था आप उसको नज़रअंदाज कर गए होते हैं तो अखबार से आपको एक तो ये पता चलता है फिर आपको पता चलता है किस अखबार ने किस कितनी अहमियत दी हुई है आप भी मेरा ख्याल है अभी अपने करियर के आगाज़ में हैं, हैं। तो इसी आप जैसे बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने दिन का आगाज़ अखबार से करें इसके बावजूद बहुत सारे लोग ये समझेंगे कि इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी कितनी ज़रूरत है अखबार पढ़ने से इनका आगाज़ करें आपको पता चलेगा किस ख़बर की कितनी अहमियत कितनी अहमियत दी गई है किस खबर को हो सकता है खबर आप खेल में हो लेकिन आपको ये पता ना हो कि ये पाँच कॉलम की ख़बर बनती थी ये तो इतनी इंपॉर्टेंट खबर है और फिर आप देखेंगे कि जैसे आज ही के अखबार में खबर है कि एक एक अखबार ने ख़बर लगाई हुई है कि जी निगरान हुकूमत ने छब्बीस अरब रुपये जो है सॉरी उनतीस अरब रुपए के तरजिया फंड्स जारी करने का फैसला किया और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हो रहा है कि कोई निगरान हुकूमत उनतीस अरब रुपए के फंड जारी कर रही हो पहली मरतबा हो रहा है एक और अखबार है इसको डेढ़ दो कॉलम की खबर छोटी सी खबर लगाया हुआ है और तो आपको अंदाजा होगा कि इस अखबार के नजदीक यह खबर क्यों इतनी अहमियत अहम नहीं है और दूसरे अखबार के के नहीं है एक और अखबार पाकिस्तान का बड़ा अखबार है मैं देख रहा था उसके फ्रंट पेज पर पे खबर ही नहीं है हालांकि ये बहुत बड़ी ख़बर है तो इससे आपको अखबार की प्रॉर्टीज़ पता चलती हैं आपको अंदाज़ा होता है कि कौन क्या कह रहा है कौन क्या सोच रहा है और आज चूँकि एक आ, हमारे मीडिया में एक एक जो है वो क्या कहना चाहिए कि आ, एक लाइन भी ड्रॉ हो चुकी है एक तरह से तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आपको सूरत हाल को समझने में बहुत मदद मिलती है तो ये यहाँ से दिन शुरू होता है उसके बाद अगर आप मैं अब आजकल तो प्रोग्राम नहीं कर रहा किसी चैनल पर लेकिन जाहिर है जिन दिनों में प्रोग्राम होता है फिर आप ग्यारह बजे से अपनी टीम के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और सारा दिन फिर आपकी टीम आपके साथ कनेक्टेड रहती है कि ये करना है गेस्ट ये करने हैं टॉपिक्स ये होने चाहिए और जो और जब आपको अगर लिखना है कॉलम लिखना है तो कॉलम में फिर आपको दो तीन घंटे जिस दिन कॉलम डे है दो तीन घंटे तो आपको जहन बनाने में लगते हैं कि करना क्या है लिखना क्या है और दो घंटे फिर लिखने में लग जाते हैं और इसी तरह से अगर आप वीलाग्स करते हैं तो फिर आप दिन में मैं जैसे दो वीलाग्स करता हूँ तो मुझे दो वीलाग्स करने के लिए वैसे तो आप सारा दिन हर वक्त खबर देखते रहते हैं लेकिन इसके बावजूद आपको तीन से चार घंटे दो वीलॉग्स के लिए चाहिए होते हैं तैयार करने और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए तो ये रूटीन है तो मेरा काफी है। हेक्टिक रूटीन है। एक जर्नलिस्ट की हाँ अगर आपको मजा आ रहा है तो मज़ा नहीं आ रहा तो वो हेक्टिक है और अगर आपको मजा आ रहा है तो फिर कोई भी काम हेक्टिक नहीं होता जिस काम में आपको मजा आता है वो हेक्टिक नहीं होता फैशन जब आप कोई भी चीज आपके शौक के मुताबिक हो तो आपका प्रोफेशन और आपका शौक ये अगर एक मिल जाए एक जगह पर तो ये खुशकस्मती की महराज होती है कि आप जो करना चाहते हैं जिसमें मज़ा आता है उसमें आपको पैसे भी मिल रहे हैं अगर आप पैसे ना मिल रहे होते तो आपने अपनी अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वैसे भी तो करना ही था ना बिल्कुल मतलब हमारे यहाँ कुछ लोग जो हैं वो फ़र्ज करें कोई बच्चा वीडियो गेम्स खेलता है घर पर शौक है उसको पैसे तो नहीं मिल रहे ना शौक़ है शतरंज खेलते हैं कुछ बच्चे घर पर चेस खेलते हैं उनको पैसे तो नहीं मिल रहे शौक है वो शौक को पूरा करने के लिए करते हैं कुछ बच्चे पेंटिंग्स बनाते हैं ड्राइंग्स करते हैं उनको शौक है लेकिन आप सोचें कि अगर उसी शौक को पूरा करने के लिए आपको इजाफी तौर पर पैसे भी मिल जाए और आपको पैसे कमाने के लिए अलग से कुछ और ना करना पड़ रहा हो तो इससे ज्यादा आपकी खुशकिस्मती क्या होगी बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रोफेशन को पैशन से अलग ही रखना चाहिए लेकिन आप कहते हैं कि जो प्रोफेशन अगर पैशन बन जाए तो एक किस्मत की बात है देखें मसूर साहब हमारे बहुत बड़े लिखारी गुजरे हैं आ, पाकिस्तान के जिनकी आवाज़ दोस्त मशहूर ज़माना किताब है लोहे अब मशहूर ज़माना किताब है सफ़र नसीब उनकी मशहूर ज़माना किताब है तो मुख्तार मसूस साहब की इससे ये जुमला मैंने मुस्तार लिया है जिसका मफो मैंने बताया कि अगर आपका आपका रोज़गार और आपका शौक़ शौक अगर मिल जाए तो ये खुशकस्मतगी महराज है सो एज़ ए जर्नलिस्ट आपने ज्वाइन किया पाकिस्तान का जो मीडिया था उस पर आपने देखा होगा कि बड़ी बाइजनेस है मतलब किसी ना किसी एंकर को एसोसिएट कर दिया जाता है अनफॉर्चुनेटली किसी ना किसी पार्टी से तो आपको भी एसोसिएट किया गया पी टी आई से सो व्हाट्स योर स्टांस ऑन इट देखिए मेरा मैं अपने बारे में को मैं खुद को ये डिफाइन करता हूँ कि मैं प्रो पी टी आई कॉन्टेंट नहीं करता मैं एंटी पी एम एल एन कॉन्टेंट करता हूँ और एंटी टी पी एम एल एन पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान की जो रिवायती सियासी जमातें हैं मैं वो उनके ख़िलाफ़ कॉन्टेंट करता हूँ तो इससे लोग समझते हैं कि शायद मैं प्रो पी टी आई हूँ वरना अगर आप मेरे कंटेंट का ब़ौर मुशाह करें तो मैंने कभी इमरान खान की तारीफों के पुल नहीं बांधे होंगे और हालांकि मैं उनके तोशा खाना के मामला हों या कुछ और डिसीजन हों कुछ और चीजें उस पर क्रिटिसाइज भी करता हूँ और मैंने खुद इमरान खान साहब के सामने बैठ के क्रिटिसाइज़ किया है कि, कि खान साहब ये आपने चीज़ ठीक नहीं की है और यहाँ तक कि चूंकि मैं मेरी ज्यादा पहचान इत है मेरी एक्सपर्टीज़ भी हुई हैं और मैं इलेक्शन पर काफ़ी कोशिश करता हूँ या चले मैं दावा नहीं करता लेकिन कोशिश करता हूँ एक हम्बल स्टूडेंट हूँ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का और उसके हल्का हल्कों के हवाले से तो मेरे ख़ान साहब के सामने बैठ के उनको एक्सप्लेन किया था कि खान साहब ये आपने ये ये ये, ये टिकटें गलत दी हैं ये आपने या तो बग़ैर मशवरे के दी हैं या, 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 या आप ये आपसे गलती सरजद हो गई है और ये आप सीटें हारने जा रहे हैं तो क्रिटिसिज्म जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ भी होता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल व्यूअर भी ढूंढता है कि इसको मैं कहाँ खड़ा करूँ मैं इसको इस सफ़ में खड़ा करूँ या इस सफ़ में खड़ा करूँ दो सफ़े बन गई हैं हमारे यहाँ तो दरमियान में तो कोई और चीज़ है नहीं आप मैं आपसे सवाल करता हूँ मुझे तीन न्यूट्रल सहाफ़ियों का नाम बताइए So, कोई भी नहीं होगा। ढूंढना मुश्किल हो जाएगा आपको नाम नहीं सूझेगा आप सोचेंगे अच्छा ये ये इधर है ये ये इधर है तो व्यूअर भी आजकल किसी भी जर्नलिस्ट को उठाकर किसी सफ में खड़ा करता है तो उसके लिए आसानी हो जाती है समझने में कि मैं इसका कॉन्टेंट को क्या समझूं। तो मैं मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की वो रिवायती सियासी जमातें जिन्होंने पाकिस्तान में पिछले तीस साल में परफॉर्म ना करके पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचाया है उस पर क्रिटिसिज्म हमारा काम भी है हमारा हक भी है और हम करते भी हैं तो इसलिए मैं समझता हूं कि मैं एंटी पीएमएलएन या एंटी जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं मैं वो कंटेंट करता हूं लेकिन पी वाले समझते हैं कि मैं प्रो पी टी करता हूँ हालाँकि वो मैं नहीं करता सो कोई ऐसे गेस्ट

कुछ तो पाकिस्तान में है और जो कुछ पाकिस्तान में है उनको ऑनर नहीं आने दिया आने दिया जाता और कुछ जो है वो बिल्कुल मुल्क छोड़ के ही चले गए क्योंकि ऑब्वियसली हालात ऐसे थे हालात उनके लिए ऐसे बना दिए जाते हैं तो वट्स योर स्टांस ऑन इट कि क्यों ऐसा होता है और सिर्फ पाकिस्तान में ही अब ये देखें आप <laughs> बना दिए जाते हैं सवालों का जवाब भी सारे सवालों का जवाब मैंने थोड़ी देना देखें पाकिस्तान पाकिस्तान में से गुजरा है ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं जिन्होंने जेलें माजी में भी काटी हैं कोड़े भी खाए होंगे और मुख्तलित तरह लेकिन हम आज जिस दौर में जी रहे हैं शायद हमने वो किताबों में पढ़ा है उस हमने वो देखा नहीं है तो हमें लगता है कि पहली दफ़ा हो रहा है आ, लेकिन इस मरतबा बहरहाल कुछ ना कुछ तो ज़्यादा या डिफरेंस ज़्यादा है। आ, प्रेशर्स हैं बहुत सारे लोगों को अपनी जॉब्स से हाथ धोना पड़े हैं और ऐसे जर्नलिस्ट की तादाद आ, ऐसे एंकर्स की तादाद जो है वो एंकर्स की सिर्फ या एंकर्स या एनालिस्ट की कैटेगरी में डालूं तो वो इस वक्त मैं कैलकुलेट करूं तो बारह तेरह बनती है और अगर ऐसे जर्नलिस्ट पिछले पाँच सात साल में जो एंकर्स थे एनालिस्ट थे या किसी और कैपेसिटी में या रिपोर्ट, रिपोर्टिंग की कैपेसिटी में काम कर रहे थे तो वो अगर आप मिला लें तो पंद्रह बीस के अठारह बीस के करीब जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो अपनी जॉब से हाथ धो बैठे हैं अभी पिछले दिनों अहमद नूरानी की एक तस्वीर जो है वो वायरल थी बहुत सोशल मीडिया पर तो उन्होंने उनको अपनी जर्नलिज्म छोड़ना पड़ी है हालांकि वो वेल नोन जर्नलिस्ट थे अपना बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे थे तो इस वक्त पाकिस्तान में मैं बहुत सारे जर्नलिस्ट को जानता हूँ जो इस प्रोफेशन को सोचने का की हद तक चले गए हैं कि हमें इसको छोड़ ही देना चाहिए हम कोई और काम क्यों ना कर लें अगर इसी तरह से जर्नलिज्म करनी है जर्नलिज्म तो हो नहीं रही या करने नहीं दी जा रही और फिर देखिए गिरफ्तारियों का डर और फिर उठाए जाने का खौफ इस वक्त हर एक के दिमाग पर हर वक्त लाइक है नौकरी चले जाने का खौफ तो है ही और जिनकी चली गई हैं वो अगले स्टेप की फ़िक्र में है कि अब कहीं उठा ना लिया जाए मुकदमे ना बना दिए जाएँ और मुकदमे जो हैं वो पिछले डेढ़ साल में जो काफ़ी बने भी हैं तो ये एक ऐसा एक ऐसे फेज से हम गुजर रहे हैं जो बहुत मुश्किल फेज है जर्नलिज्म का जिसमें आप कदम रख रही हैं अल्लाह खैर करे आपके लिए सो <गणच्ट> <गणच्ट> so, जितने भी नए आने वाले लोग हैं जैसे मैं हूँ और भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि आना चाहते हैं इस फील्ड में तो कोई एक ऐसे सजेशन क्योंकि आप इस फील्ड में रह चुके और हालात से आप गुजर भी चुके हैं जिसकी बात की हमने अभी तो आपके कोई ऐसे सजेशन जो आप देना चाहेंगे आजकल के जो यंगस्टर्स हैं देखिए जो भी आना चाहते हैं इस प्रोफेशन में मेरा उनसे एक सवाल है वो क्यों आना चाहते हैं उनकी वजह होगी ना मुख्त लोगों की रीज़न्स मुख्तलिफ होते हैं जैसे जावेद चौधरी साहब ने एक दफ़ा इंटरव्यू दिया था कि मुझे पता चला कि जर्नलिस्ट के लिए ट्रेन पर टिकट हाफ हो जाता है तो इसलिए मैंने जर्नलिज्म करी <laughs> तो ये उन्होंने खुद बताया था तो हर एक की रीज़न डिफरेंट हो सकती है किसी की रीज़न हो सकती है कि मैं मेरा ज़रा रोब दबदबा सोसाइटी में हो जाएगा कोई किसी को एंकर बन के मशहूर होने का शौक होगा आ, कोई समझता है कि इस फील्ड में पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं कोई समझता है कि ये मेरा पैशन है जर्नलिज्म ठीक है तो हर एक की रीजन डिफरेंट है तो अगर तो आपका पैशन है तो फिर तो आप हर चीज़ झेल सकते हैं कोई मसला ही नहीं है फिर तो आपको फिर तो पैशन है तो फिर तो, तो, फिर तो कोई मैं आपसे कहूँगा कि आप हर हाल में ज्वाइन करें ये आपका पैशन है ठीक है लेकिन अगर आप इसलिए आ रहे हैं कि मतलब फिर अगर आप फिर मुझसे कोई आप स्पेसिफिक क्वेश्चन करें जो आना चाहता है वो मुझे कहे कि मैं इसलिए आना चाहता हूं कि मुझे मुझे पैसे ज्यादा कमाने का शौक है तो मैं उसे कहूंगा नहीं यार कोई और बिजनेस कर लो अगर कोई कहता है कि जी मैं इसलिए आना चाहता हूँ कि जरा मेरे आ, मे, आ, मेरी मैं एक अथॉरिटेटिव आदमी बन जाऊंगा और मेरा जरा आप पुलिस चुलस ये वो कह दूंगा तो मैं उसको कहूंगा कि मत आओ ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर एक जर्नलिस्ट जो है वो दूसरों के काम करा सकता है बेचारा अपने काम करना उसके लिए इतना आसान नहीं रहता तो अगर आप पॉजिटिव माइंड के साथ पॉजिटिव जर्नलिज्म uh, करना चाहते हैं और जिसमें आप समझते हैं कि आपका पैशन है तो फिर सख्तियों की परवाह क्या करनी है फिर वो तो हर फील्ड में होती हैं फिर आप डॉक्टर भी भी बनेंगे तो उसमें आएंगी बैंकर भी बनेंगे तो उसमें भी परेशानियां आएंगी, तो आएंगी तो हर फील्ड एक चैलेंजिंग फील्ड है इसी तरह से मीडिया की फील्ड भी चैलेंजिंग फील्ड है तो फिर इससे मत घबराएं अगर आपका पैशन है पैशन है तो उसको परसू करें परसू करना चाहिए बिल्कुल तो आपकी भी रीजन यहाँ पर आने की पैशन ही था जी बिल्कुल सौ so फीसद तो बहुत चैलेंजेस भी आपको हाँ <laughs> बहुत चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़े और अभी जो आपकी स्ट्रगल चल रही है उसके वाले से क्या कहेंगे एक वर्ड में अगर अपनी स्ट्रगल को आप डिस्क्राइब करें तो देखें ये जो मुख्त चीज़ें होती हैं ना ये आपकी शख्सियत में एक आपके आपके आपकी, आपकी शख्सियत का हिस्सा बन रही होती हैं और आप ये फेजेज़ होते हैं जिससे आप गुजरते हैं और आपसे सीखते हैं बहुत देखिए हमारे बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बेरोज़गारियाँ है, काटी हैं ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब तलत हुसैन ने भी काटी हर एक हो सकता है सबकी वजूहत मुख्तलिफ हो सकती हैं तलत हुसैन साहब बेरोज़गार रहे हैं और डॉक्टर शायद मसूद साहब का फिर साहब बेरोज़गार रहे हैं और हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं वो रहे हैं तो ये वक्त एक सा नहीं रहता ये जहन में रखिए वक्त गुजर जाता है और वक्त फिर तब्दील हो जाता है बाजवा अच्छा आता है बाज़ा बुरा आता है बाज़ा उससे भी बुरा आता है और बाज़ा बहुत ही अच्छा आ जाता है तो इस वक्त ने गुजरना होता है और एक उम्मीद होती है हमेशा वो उम्मीद मौजूद रहनी चाहिए कि ये वक्त गुजर जाएगा चार महीने में गुजर जाएगा इलेक्शंस तक मुश्किल है इलेक्शंस के बाद बेहतर हो जाएगा इस हुकूमत में टफ़ है अगली हुकूमत आने की तो ऑलवेज आपकी एक डेड होती है तो मेरा ख़्याल है कि ये कोई इतनी ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है ये आपको सिखाती हैं मुख्तु चीज़ें मैं देखिए रेडियो से शुरू किया टी में आया न्यूज़ एंकरिंग की न्यूज़ एंकरिंग में नाइट शिफ्ट भी की अब मैं सोचता हूँ कि क्या मुझे दोबारा वापस जाके वो करना पड़े तो कर सकता हूँ तो मैं सोचता हूँ मैं नहीं कर सकता नहीं कर सकता ओबियसली uh, नहीं कर सकता आप दोबारा मैं न्यूज़ एंकर वाली जॉब में रात भर की शिफ्ट जाके नहीं कर सकता लेकिन आज के बच्चों से अगर आप कहें कि मुफ्त में काम करना है और सारी रात जागना है और बुलेटिन करने हैं तो वो शौक़ से करेंगे और उनको करने चाहिए तो हर एक का एक वक्त होता है अब इस वक्त में आके हमने बहुत सारे मुख्त तरह के एक्सपीरियसिस किए हैं तो मेरा ख्याल है कि आप क्या आपके तजर्बे में इजाफा हो रहा होता है और तजर्बे का कोई जयमुल बदल नहीं है वो वो आप उसमें से गुजर के ही हासिल करते हैं तजर्बा सो so, आप जर्नलिज्म में अगर हम बात करें तो कोई ऐसा ओवर रेटेड एंकर जो आपकी नज़र में हो मतलब ओवर रेटेड है देखें किसी का नाम लेना बिल्कुल मुनासिब नहीं रहेगा सब दोस्त हैं देखें ये अल्लाह की देन होती है बज दफ़ा कोई बहुत नालक आदमी जो है वो बहुत ऊपर चला जाता है और उस पर उसमें कोई ख़ास बात नहीं होती और बाज़ा अव बहुत लायक लोग जो हैं बहुत लायक लोग उनको मौका ही नहीं मिलता तो ये और इसी तरह से हमारे ये हर फील्ड में मैं आपको सच्ची बात बताऊं जैसे शायर हैं ऐसा ऐसा उमदा शेर कहने वाले लोग गुमनाम बैठे हैं कि जिनके मैं आपको उनके जो है वो शेर कहूं मैं कहूं आप शायर का नाम बताएं आपको ज़िंदगी इतनी गनीमत भी नहीं जिसके लिए अहद कम झर्फ़ की हर बात गवारा कर लें कितना अच्छा और बड़ा शेर है किसी गुमनाम से शायर का है लेकिन हमारे यहाँ ऐसे बड़े बड़े नाम जो लाखों रुपए एक मुशारा पढ़ने का लेते हैं लेकिन शायरी शायरी और कॉलेज के बच्चों के लिए शायरी कर रहे हैं जो सिर्फ ऑडिटोरियम में पढ़ के और तालियां बजवाई जा सकती हैं जिस पर तो ये अल्लाह की देने को नाम किसको देता है ये नाम का होना ओवर होना ये मैं समझता हूँ कि बस ये अता है हाँ ये अल्लाह की अता है सो आपका फेवरेट जर्नलिस्ट कौन सा है जिनको आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में परसों भी करते हो उनकी जर्नी को और बहुत एडमायर भी करते हो देखिए मैं समझता हूँ कि बहुत सारे सा, सभी लोगों की जो है वो हर एक की अपनी अपनी खूबी है और एक बज दफ़ा एक खूबी एक के अंदर है तो वो दूसरे में नहीं है बाज एंकर्स हमारे ऐसे हैं जो बहुत ब्लंट हैं बहुत अच्छा सवाल तीखा सवाल करते हैं बाज ऐसे लोग हैं जो काउंटर क्वेश्चन बहुत अच्छा करते हैं ये उनकी स्ट्रेंथ है बाज लोग ऐसे हैं जो कंट्रोवर्सी बहुत अच्छी क्रिएट करवाते हैं ये उनकी स्ट्रेंथ है तो हर जो जिस जगह पर बैठा है वो किसी ना किसी वजह से बैठा हुआ है किसी के रिलेशन्स बहुत अच्छे हैं वो वेल well कनेक्टेड है वो ख़बर निकाल के ले आता है उसकी ये वजह हो सकती है किसी की इकॉनमी के ऊपर बड़ी ग्रिप है इसलिए वो बैठा हुआ है तो हर एक की कोई ना कोई खूबी है देखिए आप ये नहीं कह सकते कि जी यही बंदा है एक हर जो लोग अच्छे उहदों पर बैठे हुए हैं अच्छे सैलरीज ले रहे हैं बड़ा नाम है उनका उन सब के अंदर कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट तो ज़रूर होगा आप मुझसे किसी का नाम लेंगे तो मैं कह दूंगा कि हाँ देखें इसकी इस शख्स की ये खूबी है तो ख़ूबी तो हर एक में है ऐसा नहीं है कि नहीं है जिनका आप सोचते हो कि उन्होंने हक अदा किया सहाफत का कोई ऐसे एंकर या जर्नलिस्ट हक अदा किया बहुत सारे लोगों ने किया है देखें मैं आ, किसी एक का नाम लूँगा अगेन तो फिर बाकी लोगों का मेरे मेरे जहन में इस तरह से नहीं है कि जिसको मैं कहूँ कि बहुत सारे लोग हैं बहुत अच्छा अच्छा काम लोगों ने किया है देखें हम तो चंद लोगों को जानते हैं ना जो 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 टी वी आते हैं न्यूज़ रूम्स में बैठे हुए हैं बेशुमार लोग हैं अभी ये अमीन साहब थे हमारे कि उनकी डेथ हुई है दो दिन पहले मैं जब रेडियो में गया तो मैंने देखा कि वो न्यूज़ के डिपार्टमेंट को एफएम रेडियो पे देखते थे तो मैंने उनसे कहा मैंने ख़बर बनाई हमारे दोस्त हैं अजमल जामी वो उन मैंने और उन्होंने इकट्ठे शुरू किया रेडियो पे एक साथ काम तो हमने खबर डेस्क पे ऐसे ही एक टेबल था उस पर हम बैठ के खबर बनाते थे उसकी उनके सामने प्रेजेंट करते थे तो वो ऐसे एक लाइन इधर लगाते थे एक लाइन इधर लगाते थे एक लफ्ज़ ऊपर लिखते थे एक लफ्ज़ इधर लिखते थे तो हम जब उसको पूरा मिला के पढ़ते तो तो थे तो देखते थे कि खबर बन बन तो वो वहीं पर काट पीट करके एक मिनट में बना देते थे हम सोचते थे यार ये तो हम अल्फाज ढूंढते रह गए और खबर बना ली तो कितना बड़ा नाम था और बहुत ही धीमे मिजाज के बहुत ही कम लोग उनको जानते होंगे इर्शाद अमीन साहब को और इर्शाद अमीन साहब ये परसों उनकी वफ़ात हुई है दो तीन दिन पहले तो हम उनको याद कर रहे थे कि और बुज बुज़ुर्ग आदमी थे तो इस तरह के बेशुमार लोग हैं जो अपने फ़न में यकता और अपनी महारत उनकी कमाल और ज़िंदगी उन्होंने भरपूर गुजारी है लेकिन उतने फ़ेमस नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली फेमस वो लोग हैं कि जो जो जिनके पास उस तरह से कंटेंट नहीं है सो <laughs> यूट्यूब so, जर्नी आपने अपनी स्टार्ट की कब आपने अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की और कब आपको ये आइडिया आया कि आपको यूट्यूब में भी अपनी जो है वो कॉन्टेंट क्रिएट तो मैं पाकिस्तान में पहला एंकर में था शायद कि जिसने यूट्यूब का जिसने एंकरिंग करते हुए यूट्यूब चैनल बनाया और विद इन नो टाइम मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो एक लाख के करीब चले गए कोई और एंकर उस वक्त नहीं था जिसको ये भी पता चलता कि यार ये YouTube भी एक मीडियम है जिस पर कंटेंट करना चाहिए कोई भी एंकर नहीं था लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इदारे की एक पॉलिसी आई और आ, उनकी पॉलिसी आई कि कोई भी कि ये YouTube नहीं किया जा सकता बैक वक्त आ, आ, एंकरिंग करते हुए वो मैंने छोड़ दिया और तकरीबन दो ढाई तीन साल के लिए छोड़ दिया तीन साल के लिए मैंने छोड़ दिया काम तो तीन साल के लिए के दौरान फिर बहुत सारे लोग तकरीबन सभी एंकर जो हैं वो यूट्यूब के मीडियम पर आ गए फिर मुझे एहसास हुआ कि ये किसा मीडियम है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता यानी आपने अगर जर्नलिज्म करनी है तो ये नहीं हो सकता कि आप ये नामुकम्मल है अगर आपके आप इस प्लेटफॉर्म को इग्नोर करें जैसे जर्नलिस्ट अगर ट्विटर पर नहीं है तो वो एक, एक नामुकम्मल यानी उसके पास जितने फॉरम था उसमें से वो एक फॉरम को कम इस्तेमाल कर रहा है तो फिर मैंने अपने इदारे से रिक्वेस्ट करके पॉलिसी में नरमी कराई अपने लिए और फिर मैंने यूट्यूब शुरू किया तो फिर उसको मुझे एक डेढ़ साल लगा दोबारा से एक्टिव करने और उठाने में मेरे अपने फॉलोअर्स हैं अच्छे जो कि देखते हैं मेरा कंटेंट और मैं उनके लिए कंटेंट बनाता हूँ सो so, अगर अभी की बात करें लेटेस्ट हैपनिंग जो हो रही हैं लाइक इलेक्शंस के हवाले से भी अगर हम बात करें तो इलेक्शन का जो है वो कहा गया है कि फेबर में होंगे तो आपके क्या थाट्स हैं कि हो जाएंगे इस बार आ, ये तो पाकिस्तान में किसी को भी नहीं पता दिस इज़ अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन लेकिन मुझे चूँकि साहब ने पाबंद किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि यह सवाल नहीं उठाना और आपको भी पाबंद किया आपको पता है उन्होंने ये ऑर्डर किया है कि जो एंकर यह सवाल करेगा कि इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे उस पर जो है वो गद्दारी का मुकदमा बनना चाहिए सो so, हम पे तो बन गया अगर आप ये सवाल उठा रही हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे तो आप इलेक्शन को शक में मुब्तला कर रही हैं इसके इनका को तो ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो आपको उसकी ऑर्डर की खिलाफ वर्जी ये सवाल उठा के नहीं करना चाहिए सो so, होता ही है बेसिकली अगर इस पर मोहम्मद मालिक साहब जो हमारे सीनियर दोस्त हैं उन्होंने इस पर काफी क्रिटिसिज्म किया है इस डिसीजन पर और वो कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है अगर एक चेंजिंग स्टैर है और उसमें आपको लग रहा है कि इलेक्शन नहीं होने जा रहे हाँ। तो आप इस पर क्यों बात नहीं कर सकते लेकिन मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस ने इसको मेक श्योर sure करने के लिए कि इलेक्शन हो रहे हैं और ये सवाल भी ना उठे और डिबेट भी ना हो के नहीं हो रहे इसलिए उन्होंने कहा है तो उनका मकसद मेरा ख्याल है ये सो आप भी ये चाहते हैं कि ये सवाल ना हो

इलेक्शन uh, कमीशन और बाकी इदारे ऑन बोर्ड नहीं थे तो लेकिन इस मरतबा एक ऐसा माहौल है कि जिसमें इलेक्शन होने चाहिए मुझे कोई वजह नजर नहीं आती कि इलेक्शन ना हो सवाए इसके कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में उतरने से डर रहे हैं और उनके लिए साजगार नहीं है माहौल इलेक्शन लड़ने का अगर उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कोई इलेक्शन नहीं कराता तो मैं क्या कह सकता हूँ इलेक्शन ना होने की और कोई वजह नहीं है सो नवाज शरीफ की जो वापसी है उसको आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह से वो अपने जो करियर का मतलब जो उनका फील्ड है उस पर वो किस तरह से कर सकेंगे फील्ड के तहत हुई है और वो एक डील के तहत पाकिस्तान वापस आए हैं ये लड़कियाँ हासिल करके वापस आए हैं इस्टैब्लिशमेंट और इंटरनेशनल इस्टबलिशमेंट की उनको सपोर्ट हासिल है और इसके बगैर वो शासत कर नहीं सकते पाकिस्तान में उनके पास अब इस वक्त ख़ास तौर पर पंजाब में और मजमू तौर पूरा पाकिस्तान में ही लेकिन पंजाब में उनके पास कोई सपोर्ट बेस नहीं बची है इस वक्त इलेक्शन अपने आज़ादाना इलेक्शन लड़के जीतने के लिए वो अपने मुखालफन को बांध के जेलों में डाल के इलेक्शन में उतरना चाहते हैं इसके अलावा वो समझते हैं अगर उतरेंगे तो इलेक्शन वो जीत नहीं सकते ठीक है तो आपको क्या लगता है कि जो अब इलेक्शन होंगे तो उसमें कौन सी पार्टी जो है वो प्रोग्रेस करेगी या जीतेगी देखिए ये, ये कहना मुश्किल है कि ये इलेक्शन से के करीब जाके कहा जा सकता है देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान तरीके को आ, कितना मार्जिन मिलता है इलेक्शन लड़ने का उसकी वजह यह कि तहरीकन साहब अभी आ, कल शादरा में उनका एक वर्क, वर्कर्स कन्वेंशन में नहीं बल्कि कॉर्नर मीटिंग थी शादरा में लाहौर शादरा में उनकी कॉर्नर मीटिंग भी नहीं होने दी गई तो आप सोचिए कि इस तरह का माहौल है तो इसलिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह वादा किया है कि जब इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा तो मैं इस बात को यकीन बनाऊंगा कि सबके लिए एक जैसा माहौल हो तो हम देखते हैं कि आ, क्या होता है फिर इमरान खान की वापसी के हवाले से आप क्या कहेंगे इमरान खान अपने दोबारा से उस सेटअप में आ सकेंगे जिसको वो छोड़ के गए थे और किस तरह से वो दोबारा से खड़े हो सकेंगे देखिए फिलहाल तो ये मुमकिन नहीं नजर आता फिलहाल हालात उनके लिए साजगार नहीं, नहीं है।, है लेकिन पाकिस्तान में जब पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है हर दो साल के बाद आप देखिए जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया था या नवाज शरीफ ने गुजरा वाला की के जलसे खताब करते हुए कहा था कि जनरल बाजवा तुम हो जिसने मुल्क को तबाह किया और तुमने मुझे क्यों निकाला तो जब नवाज शरीफ ये कह रहे थे तो और उनकी टी वी पर तकरीर करने पर पाबंदी लगा दी गई थी तो क्या कोई सोच सकता था कि दोबारा उनको हाथ में ला कर लाया जाएगा जाए जाए और वेलकम किया, किया जाएगा तो पाकिस्तान में हालात बदलते देर नहीं लगती क्या कौन जाने के इमरान खान के लिए भी हालात साजगार हो जाए अभी तो नहीं है अभी नहीं है और पीटीआई कहाँ स्टैंड कर रही है आपकी नजर में पीपीआई इस पर पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी है और जो शिरकत के आप किसी भी तरह का कोई पोल कर लीजिए ट्विटर पे कर लें सोशल मीडिया पे कर लें आप खुद अपना माइक उठा के पब्लिक में चले जाएं पाकिस्तान के किसी हलके में चले जाएं जहां से नवाज शरीफ पिछले तीस साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां चले जाएं आप गांव में चले जाएं आप कराची में चले जाएं बलोचिस्तान में चले जाएं खैबर पखुन में चले जाएं आप अपनी मर्जी का कोई हल्का या उनकी मर्जी का कोई हल्का चूज़ कर लें नवाज शरीफ साहब की या बाकी सियासी जमातों की और वहाँ जाकर पूछें कि इस वक्त पाकिस्तान में पॉपुलर पोलिटिकल पार्टी कौन सी है तो इसका जवाब आपको मुख्तिस सर्वे से अभी तक तहरीक इंसाफ मिल रहा है नो डाउट पब्लिक सपोर्ट है तहरीक इंसाफ के साथ लेकिन अभी जो तहरीक-ए-साफ की कंडीशन हुई भी है पार्टी की लाइक कारकुनान छोड़ के जा रहे हैं तो इसमें इस तरह से इलेक्शन में स्टैंड लेना किस तरह होगा इस तरह देखिए मुश्किल है इलेक्शन में ऐसा लेना इस वक्त बहुत मुश्किल है इलेक्शन में ऐसा उनको नहीं लेने दिया जा रहा आ, ये उनका इम्तिहान है वो क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं अगर बनाएंगे तो ठीक है अदरवाइज वो तारीख में लिखे जाएंगे कि बस वो नहीं नाकाम हो गए तो यूट्यूब दोबारा हम आते हैं यूट्यूब जर्नी पे और यूट्यूबर्स जो हैं हमारे बहुत ज्यादा फेमस हैं जैसे सदीक चान है अगर हम जर्नलिस्ट में बात करें जर्नलिस्ट की भी तो उनको भी बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़े तो उनके जर्नी के हवाले से आप क्या कहेंगे उनकी जो कॉन्ट्रोवर्सी थी उसके हवाले से, से आप क्या कहेंगे सदीक जान की जर्नी के हवाले से तो सदीक जान कहेंगे लेकिन सदीक जान आप किस तरह से देखें जान दिलेर जर्नलिस्ट है है नो डाउट जर्नलिस्ट जान खरी बात कहने में कमाल रखता है और वो जो बात उनके जिसको वो सही समझता है सदीक जान उसको वो करने में से हिचकिचाता नहीं है और सिद्दीक जान एक ऐसा जर्नलिस्ट है जो नहायत ईमानदारी के साथ और नहायत मेहनत के साथ उसने अपना मकाम हासिल किया है और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों का वो रोल मॉडल है सर so, जैसे अभी हमने पहले बात की थी कि सहाफत का हक अदा कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि ये सदीक जान जो है one one them, जी बिल्कुल सदीक जान उन्हीं चंद लोगों में से है जो साफत का अदा कर सो so, uh, सदीक जान के अलावा भी हमारे पास इमरान रियाज की एग्जाम्पल आती है ही वॉज ब्लंट जर्नलिस्ट एज वेल लेकिन अभी जो उनकी कंडीशन है उस पर आप क्या कहेंगे बस uh, उनकी जो हालत है अल्लाह ताला उनको सेहत दे uh, मेरी उनसे मुलाकात हुई है जाहिर है उनकी हेल्थ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ है uh, उनके लिए बहुत सारी नेक दुआएं और तमन्नाएं हैं गलतियाँ हर इंसान करता है मुमकिन है उन्होंने क्यों और मुमकिन है मैंने भी की क्यों और एन मुमकिन है कि जिन्होंने उनके साथ ये सब किया उन्होंने भी ज़िंदगी में गलतियाँ क्यों अपने फ़ैसलों में की क्यों तो लेकिन ये कोई जवाज़ नहीं है कि किसी को ऐसे एग्ज़ाम्पल बना दिया जाए या किसी को इस तरह के आ, का सलूक किसी ने तो किया है ना आखिर उनके साथ कोई तो होगा ना मुझे नहीं पता वो हाँ मुझे नहीं पता वो कौन है लेकिन बहरहाल जाती है आपको लगता है कि वो दोबारा से अपने जॉन्ड्रा में आ सकेंगे दोबारा जो पहले हम जो देखते थे इमरान रियाज को आसान नहीं है बड़ा मुश्किल है अभी देखें ना एक आ, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता नहीं सकता एक्सप्लेन नहीं कर सकता लेकिन आ, आसान नहीं है जिस जिस तरह से जिस फेस से उनकी फैमिली गुजरी है आ, चलें वो ख़ुद तो कहेंगे ठीक है मैं अपने लिए दोबारा फ़ेस करने के लिए तैयार हूँ मगर फैमिली मगर बच्चे मगर बूढ़े वालदेन और वो लोग जो उनको एडमायर कर रहे थे वो भी तो अफेक्ट होंगे इस वजह से मेरा नहीं ख्याल इससे ये नहीं होता कि कोई इमरान रियाज को देख के सबक सीखे और कह जी ठीक है डर हाँ नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये दीवाने तो पैदा होते रहते हैं हर दौर में सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड वेल जनाब दिस इज़ ऑल अबाउट पॉडकास्ट आई होप यू विल इट आप अपना फीडबैक देख सकते हैं हमें अपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में अल्लाह हाफिज़